सूर्य को नवग्रहों का राजा और सिंह राशि का स्वामी माना गया है। ज्योतिष में सूर्य के ग्रहण की घटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार ये ग्रहण 14 अक्टूबर की रात्रि 8:34 से प्रारंभ होकर रात्रि 2:25 तक रहेगा और ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। गौरतलब है इससे पहले भी 20 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था। पंचांग के अनुसार अगला सूर्य ग्रहण अगले साल 2024 में 8 अप्रैल को लगेगा। खास बात यह है कि वह ग्रहण भी भारत में नहीं नजर आएगा। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के दौरान लगने वाले सूतक में शुभ कार्यों की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण में लगने वाला सूतक 12 घंटे पहले प्रातःकाल 8:33 पर प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण के खत्म होने के बाद समाप्त होगा। जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दृश्यमान रहेगा वहां पर यह सूतक काल मान्य रहेगा। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के दौरान जिन कार्यों की मनाही है आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इन बातों का रखें ख्याल। सूर्य ग्रहण में लगने वाले सूतक के दौरान किसी भी पवित्र चीज का स्पर्श करना मना है, इसलिए इसके लगने से पहले पूजा घर या मंदिर बंद कर देना चाहिए और भूलकर भी देवी देवताओं की प्रतिमा को ग्रहण के दौरान स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भले ही पूजा पाठ की मनाही हो लेकिन इस काल को देवी देवताओं के जप के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र अथवा अपने आराध्य देवी देवता के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण को एक बड़ा दोष माना गया, ऐसे में कभी भूलकर भी सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि अन्यथा उसे तथा उसकी संतान को भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की आशंका रहती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं न तो सूर्य ग्रहण देखें और ना ही उस दौरान कमरे से बाहर खुले में निकले। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना दोनों मना रहता है। हालांकि आप इस दौरान जल का सेवन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान घर में भूलकर भी सोना नहीं चाहिए और ना ही किसी के साथ वाद विवाद करना चाहिए।